Hello everyone, good morning, welcome back to your channel Knowledge at the Way to Success. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 25 जून 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच हैज बिकेम द थर्ड कंपनी इन द वर्ल्ड टू अचीव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 2 ट्रिलियन। तो जी हाँ, 2 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की तीसरी कंपनी कौन सी बन गई है? तो वो बनी है माइक्रोसॉफ्ट। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पे कौन है। फर्स्ट कंपनी जो है वो सऊदी अरामको है और देन सेकेंड वन इज एप्पल। जो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट है ये दोनों ही अमेरिका की कंपनी है, ध्यान में रखेंगे, जो 2 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन कर चुकी है। वो दो कंपनीज है अमेरिका की, फर्स्ट वन इज एप्पल एंड द सेकेंड वन इज माइक्रोसॉफ्ट। और वर्ल्ड पे टॉप कौन कर रही है? तो वो है सऊदी अरामको। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विस्टेट सीएम अनाउंस अ न्यू स्कीम आशीर्वाद फॉर द एजुकेशन हेल्थ एंड मेंटेन ऑफ कोविड ऑर्फन्स। तो जो आशीर्वाद स्कीम थी ये पंजाब में भी लॉन्च की गई थी, लेकिन ये उससे थोड़ी डिफरेंट है। ये की है ओडिशा सरकार ने, ठीक है। और ओडिशा सरकार ने किस लिए की है? ये उन बच्चों के लिए की है जो कोविड में इस पैनाडेमिक सिचुएशन में जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है और अब उनका कोई भी नहीं रहा है, जिसने अपने फादर मदर दोनों को खो दिया, उन बच्चों के लिए है ये आशीर्वाद स्कीम। तो इसमें क्या होगा, अगर आप देखो कि बच्चों की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, अगर कोई फैमिली उन बच्चों की देखभाल करती है तो उनके अकाउंट में हर महीने 2500 रुपीस डिपॉजिट कराए जाएंगे ताकि उसका खर्चा निकल सके। और बात कर लेते हैं बाकी, अगर किसी भी तरह से कोई बच्चा है जिसके जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओडिशा सरकार लेने वाली है। Our next question is New Zealand has crowned first world test champion defeated India at the Rose Bowl stadium. ठीक है, अब आपने देखा ही होगा कि साउथहैम्पटन के जो रोज बाउल स्टेडियम में भारत को हराकर न्यूजीलैंड को पहले विश्व टेस्ट चैंपियन का ताज पहनाया गया है। तो उसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे यही हमसे पूछा गया, तो वो थे काइली जैमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि हु इज एट सेकंड विद 74.6 बिलियन की डोनेशन के साथ कौन से, किसने अपनी सेकंड पोजीशन बनाई है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? टाटा ग्रुप फाउंडर जमशेद टाटा जी हैं। इन्होंने जो हमारा इस पैनडेमिक सिचुएशन में सबसे ज्यादा इन्होंने डोनेशन की है। और जो सेकंड रैंक है वो किसका है? जो सेकंड रैंक है वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स का। तो ये ध्यान में रखेंगे कि फर्स्ट पे जिनका है वो एक इंडियन है, ठीक है, टाटा ग्रुप के फाउंडर है जमशेद जी नुशेवरन जी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरपोर्ट हैज वन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल्स रोल्स ऑफ एक्सलेंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। तो अब कौन से हवाई अड्डे ने बेस्ट आप बोल सकते हैं एयरपोर्ट का एक खिताब जीता है, तो वो कौन सा है? तो वो है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर सभी जितनी भी फैसिलिटीज हैं बहुत अच्छे से दी जाती है, सब चीजें की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इसे दिया गया जनरल और एक्सीलेंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, तो वो कौन सा है? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोरिस इन्वेस्टर सर्विस हैज slash India's growth projection for 2021 calendar year from its earlier estimates of 13.9%. तो 2021 का जो कैलेंडर है मूडी इन्वेस्टर सर्विस का, उसमें भारत के विकास कर दिया है, ठीक है, जो पहले कितना अनुमान था 13.9 था, लेकिन अब उसे घटाकर कितना कर दिया गया है? उसे कर दिया गया 9.6%. The next one is recently India and which country has constituted hydrogen task force. तो भारत और कौन से देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है हाल ही में? तो वो किया अमेरिका में। अब आप देखिए कि हर एक कोई जो है
हाइड्रोजन टास्क के ऊपर है, क्योंकि क्या है कि प्योर फॉर्म ऑफ, आप बोल सकते हैं एक प्योर फॉर्म है इसकी, इसलिए हर कोई इसके पीछे भाग रहा है। और हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्रॉप हैज बीन आइडेंटिफाइड एज एन अल्टरनेट सोर्स फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो अभी आपने हाल ही में पढ़ा भी था हम लोगों ने कि एथेनॉल को लेके बातचीत चल रही थी, तो इसी तरह क्या किया गया है कि एथेनॉल का एक अल्टरनेट सोर्स ढूंढ लिया गया है, जो कि कौन सा है, कसावा। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है कि जो ये कसावा है, इसको अगर ग्रो करते हैं तो अगर इसकी खेती करते हैं तो हमारे को किसी चीज की नीड नहीं होती कि इस तरह की जमीन होनी चाहिए, इसमें इतने फर्टिलाइजर डालने हैं, या इसकी देखभाल बहुत होगी, इसको इस चीज से बचाना है, या किसी भी तरह की कोई भी चीज इसमें यूज नहीं होती। ये कैसे भी जगह पर ग्रो हो जाता है इजीली, इसमें बहुत ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं होती। वैसे तो हमारे को जो इथेनॉल था वो हम शुगर केन से भी ले रहे थे, बट जो कसावा है ये एक बेस्ट सोर्स माना गया है, तो देखते हैं आगे क्या हुआ। लेकिन अभी इथेनॉल के अल्टरनेट के सोर्स के रूप में कसावा को चुना गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्रीज पीएम स्टीफन लॉफेन लॉस्ट द कॉन्फिडेंस वोट। किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफेन ने विश्वास मत हार गए हैं, तो वो कहाँ के हैं? तो फ्रेंड्स ये देखो, ये स्वीडन के हैं। बात कर लेते हैं हम कैपिटल की, तो जो स्वीडन की कैपिटल है वो कौन सी है, वो है स्टॉकहोम, और जो करेंसी है वो स्वेडिश क्रोना है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि स्वीडन के किसी पीएम ने अपना विश्वास मत खोया है, तो फर्स्ट टाइम हुआ है तो ऑटोमेटिकली अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच बैंक हैज लॉन्च पे योर कॉन्टैक्ट सर्विस दैट एनेबल्स द कस्टमर टू सेंड मनी और मेक पेमेंट्स अक्रॉस ऑल पेमेंट्स ऐप सिंपलीफाइड बाय द बेनिफिशियरी मोबाइल्स नंबर। तो किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है जो अपने ग्राहकों को लाभार्थी के मोबाइल नंबर से सभी भुगतान ऐप में पैसे भेजने या भुगतान करने में सक्षम बनाती है? तो वो कौन सा बैंक है? तो फ्रेंड्स ये अभी हाल ही में ये स्कीम लॉन्च की है कोटक महिंद्रा बैंक ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये इन्होंने अपने जितने भी आप कह सकते हैं इनके जो क्लाइंट्स हैं, इनके जो कस्टमर्स हैं, उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये चीज। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ टास्क फोर्स फॉर्म टू हेल्प द गवर्नमेंट इन ब्रिंगिंग मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स थ्रू मिशन कर्मयोगी। अब इसमें क्या होगा कि मिशन कर्मयोगी के माध्यम से नौकरशाही सुधार लाने के में सरकार की मदद करने के लिए गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है SD शिवू लाल जी को। अब बात हो जाती है नौकरशाही, मतलब कि जो सिविल सर्विसेज है ना, उनमें क्या क्या हो रहा है ये सब, अगर उन चीजों को ठीक करने के लिए हो रहा है तो जो हमारे मतलब और सर्विस वाले पर्सन है और जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑफिस हैं, या आप बोल सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, टाइम पे सैलरीज नहीं मिल रही हैं या इससे रिलेटेड कुछ भी। तो सिर्फ सिविल सर्विसेज ही क्यों, बाकी सब चीजों को भी आई थिंक ध्यान में रखना चाहिए, भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वर्ल्ड्स 5 एगल जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांटेड इन विच स्टेट। तो दुनिया का जो पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर कौन से राज्य में लगाया गया है हाल ही में? तो ये असम में लगाया गया। असम में कहाँ पर लगाया गया? तो ये लगाया गया सरूत्री, जो कि नियर है कहाँ के, गुवाहाटी के। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, नियर गुवाहाटी के लगा है। तो इसमें क्या होगा, द जीएम रबर सप्लिंग वाज डेवलप्ड एट द रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया RRII एंड पुथुपल्ली कोट्टयम केरला। तो हम बात कर लेते हैं कि एक मॉडिफाइड रबर प्लांट लगाया गया है,
ये चीज भी है कि प्लांट लगाया गया तो उसकी सपलिंग भी तो कहीं तैयार हुई होगी ना, उसकी पौध कहते हैं आप एक तरह से, तो वो कहाँ तैयार किया गया? तो उसे तैयार किया गया था रबो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, RRII। ये कहाँ पर है? तो ये केरला में है, कोट्टयम इन पुट्टुपली। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे।